हाय सर, गुड इवनिंग हेलो। हाय हाय, आवाज आ रही है बराबर? सर। बराबर आवाज आ रही है एकदम। हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं राजा रविश कुमार, सीधा मुंबई से। कैसे हो यार? नहीं सर एकदम अच्छा। सर मैंने आपको संडे तो खराब नहीं किया ना, कुछ नहीं खास अगर यार, हो कुछ गया नहीं नहीं कुछ खराब। हेलो, एक सेकंड, आपका ऑडियो कट है। तो वन सेकंड यप, बिल्कुल सर। हेलो। हाँ, हेलो सर, हाउ आर यू? मेरा 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 हाँ बढ़िया है। मेरा हेडफोन एक्चुअली कट गया था यार। ओके। तो सर संडे के बारे में आज क्या किया संडे के दिन? आज स्पेशल यार मैं पिछले 4 दिन से बड़ा ऐसा, मतलब विदाउट एनर्जी सैड सा हूँ, क्योंकि मेरे को धूप धूप चाहिए यार। बिना धूप के मैं सरवाइव नहीं कर पाता, मेरी एनर्जी धूप से चलती है। और पिछले 4 5 दिनों से धूप दिखी नहीं है, नामो निशान नहीं है, सिर्फ बादल हैं, बारिश है। तो ये बड़ी, मतलब बीमारी कह लो इसे, तो मैं थोड़ा वैसा थोड़ा लो रहता हूँ। इसलिए मैं लोगों से बात करूंगा तो शायद तुमसे बात करके थोड़ा अच्छा हो जाऊं। बट क्या है बिल्कुल कि सर, मुझे बिल्कुल। धूप बहुत जरूरी है यार, बिना धूप के मैं बड़ा सैड हो जाता हूँ यार। तो अभी ऐसा मनहूसियत वाला मौसम है ना वो, तो समाओ। संडे कैसा गया? बस यार कुछ नहीं, अभी मैं आप पूरे जैसे दिन कुछ नहीं कर पाया, पढ़ा ही था मैं, क्योंकि कुछ एनर्जी नहीं आ रही करने की। अच्छा धूप का नाम लिया तो मेरे मन में भी आ गया और लोगों ने भी कमेंट करना स्टार्ट कर दिया, जादू जादू वो धूप मुझे चाहिए। पता है, वो मुझे पता है, वो मुझे पता है, जादू वाली बात आएगी। बट हाँ, थोड़ा है जादू, मेरा जादू ही धूप से होता है। मैं धूप आती है तो मुझे एनर्जी आती है, बिना धूप के मेरा दिन बड़ा लो जाता है। ओके। तो बिल्कुल सर, हम आपका दिन बनाने के लिए ही आए हैं ताकि तो आपको थोड़ा बेहतर महसूस हो सके, इसीलिए बिल्कुल मैं बिल्कुल। आपसे आपसे लाइव जुड़ा हूँ। तो शुरू करते हैं सेशन को। मैं पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ सर। स्वागत है आपका इंस्टा टॉक विद आरजे करण में, पावर्ड बाय कोरोना वायरस, पावर्ड बाय लॉकडाउन, पावर्ड बाय क्वारंटाइन, पावर्ड बाय आइसोलेशन, पावर्ड बाय बायकोट चाइना, पावर्ड बाय टिकटॉक बैन और पावर्ड बाय आत्मनिर्भर भारत। सबसे बढ़िया। सो मैनी, इतने इतने सारे ब्रांड तो आईपीएल के पास नहीं है भाई। जरूर सर, इसलिए तुम्हें तो वहां से अब स्पॉन्सर होना बंद हो चुका है क्योंकि आईपीएल बाहर हो रहा है तो सब ब्रांड्स यहाँ पे आ चुके हैं। ओके। हाँ तो पिछले कुछ 3 4, अब तो शायद मुंबई में है तो अनलॉक जैसा कुछ है या फिर लॉकडाउन ही है प्रॉपर तरीके से? देखो यार, सरकार का जो अनलॉक है उससे ज्यादा लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। जितना सरकार ने नहीं कहा है घूमने को, उतना घूम रहे हैं। और ग्रुप में जो दोस्त है ना, जैसे मैं देख रहा हूँ कि जो दोस्त हैं एक दूसरे को जानते हैं, आप घर पे रहते हो किसी के साथ तो आप बिना मास्क की बात करेंगे। बट क्या है कि दोस्ती यारी वाले जो ग्रुप हैं वो तो मास्क लगा के बात ही नहीं कर रहे हैं। वो आपस में, मैं देख रहा हूँ कैफे शॉप्स हैं जो बाहर खुले हुए हैं डिलीवरी के लिए, स्टारबक्स फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी कैफे शॉप है। जो मैं रनिंग के लिए जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उन कैफे शॉप में ग्रुप के, मतलब 6 के ग्रुप में, 5 के ग्रुप में लोग खड़े हुए हैं और बिना मास्क के बातें चल रही हैं। हाँ, एक दूसरे को जानते हैं वो लोग, बट यार कोरोना ही तो ही देख रहा है कि कौन किसको जानता है। उसको तो जिसको होना है, ड्रॉपलेट्स आएंगी मुंह से और आपको हो ही जाएगा। तो पता नहीं, शायद डर चला गया लोगों के अंदर से, या लोग लाइटली ले रहे हैं, या सोच रहे हैं कि ठीक है अब क्या कर सकते हैं। लोग हिम्मत ही हार चुके हैं। तो वही है, जब कुछ खोने को नहीं होता, आदमी हिम्मत हार देता है तो फिर आदमी चिल घूम रहा है। तो वैसा है। अच्छा, इस तरह का कुछ हो। अभी वैसे सारे काफी सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं तो मैं व्यूअर्स को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। कुछ मुझे लगेगा सर तक पहुंचाना चाहिए तो मैं सीधा आपका क्वेश्चन सर तक पहुंचा दूंगा। सभी ने वैसे अभी तक लिखा है सर बिग फैन बिग फैन, और किसी ने लिखा है कि हम सतना से हैं, सतना मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो बिल्कुल यार, सभी की मैं सपोर्ट सभी सतना, की बहुत सतना थैंक्स। वालों, सतना वाले ओपी, बाकी ये आजकल आ गया ओपी ओपी, तो सतना ओपी, और जो भी लिख रहे हैं थैंक यू सो मच यार फॉर द लव। और सतना के पास भी एक गांव है परसवारा, मैं वहां से हूँ, तो अगर वहां से भी कोई है तो वो भी लिख सकता क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये पिछले कुछ 4 5 महीनों का एक अनएक्सेप्टेबल अनप्रिडिक्टेबल जो टाइम आया है लॉकडाउन का, वो आपका कैसा रहा? मतलब आपने कभी उम्मीद की थी कि ऐसा कुछ टाइम आ जाएगा कि घर में ही बैठा रहना है, जैसा आपको तो धूप भी नहीं मिल रही है, इतना सब गजब हो रहा है, तो क्या किया इस लॉकडाउन के अंदर आपने? अब यार उम्मीद तो क्या है कि इतनी हॉलीवुड फिल्में देखी है डिजास्टर वाली, तो
पता ही होता है क्या होता है। तो मतलब हॉलीवुड ने काफी कुछ सिखा दिया था कि कैसे सर्वाइव करना है। और पहली बार ये अपोकलिप्स ही एक तरह का, अब ये थोड़ी मैं कह रहा हूँ कि एलियन आएंगे और अटैक हो जाएगा और न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क और एले खराब हो जाएगा। ये हमारे टाइप का, हमारे सदी का, हमारे वक्त का एक तरह का एपिडेमिक और अपोकलिप्स है, जैसा उस वक्त लगता था, उस वक्त लगता था आज से 4-3 महीने पहले। अभी तो चलो फिर भी लोग दिखते हैं सड़क पे, चीजें खुल गई हैं तो नॉर्मल हो गया सब कुछ। तो मैं यार, मेरे लिए सिर्फ एक ही वो है लॉकडाउन का, जो लोग सफर किए हैं, मजदूर हों चाहे या बिजनेसमैन हो या जो भी हैं, जिनकी सैलरी कट गई है या जो जॉब जिनकी चली गई है, मैं उनके लिए फील करता हूँ। अदरवाइज पर्सनल तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं जब से आया हूँ इस शहर में या जब से मतलब होश संभाल रहे हैं, जब से पैदा हुआ हूँ, मैं ऐसा इंसान हूँ कि जिसको अकेलापन पसंद है, जिसको ज्यादा लोगों से मिलना जुलना। मेरे पास अकेले सरवाइव करने की और खुश रहने के बहुत सारे तरीके हैं, और वो बचपन से हैं। तो मुझे ऐसा कुछ बहुत फाइट नहीं हुई सरवाइव करने में कोरोना को, क्योंकि मेरे पास, मैंने कई सारी चीजें जो नहीं करता था वक्त की कमी की वजह से, तो वो सब करनी शुरू की। काफी स्केचिंग की, काफी गंदे पेंट बनाए, जो हुआ मन, मतलब मैंने एक्सपेरिमेंट किया अपने पेंटिंग में, स्केचिंग में, जो भी कर सकता था। और कई ऐसी चीज थी एज अ राइटर जो लिख नहीं पाया था मैं, क्योंकि जब आप नॉर्मल टाइम में रहते हैं तो शूट होता है, बाहर कहीं जाना होता है, ट्रेवल कर रहे होते हैं आप, तो आपके कई काम ऐसे होते हैं लिखने वाले जो आप नहीं कर पाते। तो मैंने काफी कुछ राइटिंग में खत्म कर लिया है जो मैं लिख सकता था, जो प्रोफेशनली भी, मतलब जो स्क्रीन प्ले जो कल को जाके बनेगा, और नॉन प्रोफेशनली जो मैं लिखता हूँ, पोएट्रीज हो या चाहे शॉर्ट स्टोरीज हो, दिमाग में जो आई थी तो वो भी लिख लिए। तो काफी कुछ राइटिंग हो गई जो शायद नहीं हो पाती थी नॉर्मल डेज में, तो सबसे अच्छा अच्छा वो है। और प्लस रेगुलर फिटनेस हो गई, फिटनेस काफी अच्छे से फॉलो की विदाउट किसी प्रेशर के। अब घर पे थे, बाहर से खाना कम मंगाना था, तो खुद से बना के डाइट कंट्रोल रहा, क्योंकि आप बाहर कई बार होता है ना, टाइम नहीं रहता आपके पास, तो या आप बिल्कुल खाना मंगा लेते हो कहीं से। तो आई थिंक हेल्दी खाया, 8 बजे के बाद 9 बजे कोशिश की गई कि ना खाया जाए, क्योंकि कंट्रोल में है ना, आपके घर कंट्रोल में है, लाइफ कंट्रोल में है अभी। तो यही सब चीजें यार, तो आई थिंक आई बिकेम मोर हेल्दियर एंड फिटर इन लॉकडाउन। ओके ओके ओके। अच्छा आपने जैसे कहा कि आप राइटिंग वगैरह तो पहले भी करते थे, लेकिन अभी आपको अच्छा टाइम मिला, तो अभी भी ये कुकिंग वगैरह भी, आप जब से मुंबई शिफ्ट हुआ है तब से शायद खुद से ही खाना बना के कर रहे हो, तो इस हाँ, लॉकडाउन में पुणे कुछ। से, मैं पुणे में अच्छा से ही खाना बनाता था। खाना बनाने का शौक भी था, प्लस मजा आता है यार खुद के खाने का। आई थिंक वो सेटिस्फेक्शन आपको मिल ही नहीं सकता है, या तो माँ का हाथ, उसके बाद फिर खुद के हाथ का, ये दो ही सेटिस्फेक्शन है बिल्कुल यार। बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इन सब के अलावा कुछ लॉकडाउन कुछ नया सीख ले आपने, ऐसा कुछ नया हो जिसको यार डिस्कवर कर लिया कि यार ये चीज अच्छी होगी लॉकडाउन के अंदर मेरे साथ में, एक नई हैबिट अपने अंदर डेवलप कर लिया, ऐसा कुछ हुआ नया? नई हैबिट, आई थिंक रोबोटिक्स, अंदर के रोबोटिक्स होते हैं ना, कि सुबह उठते ही एक दिन भी मेरे को ये आलस नहीं आई कि आज झाड़ू पोछा या आज बर्तन नहीं करने। तो एक एक कॉफी बनाता हूँ रोबोट की तरह, और रोबोट की तरह कॉफी पीते ही हाथ अपने आप चलने लगते हैं, बर्तन साफ होता है, झाड़ू लगता है, पोछा लगता है। तो ये एक आर्मी डिसिप्लिन होता है ना रोबोट की तरह, कि आज सुबह उठ के ये शेड्यूल है तो ये फॉलो करना ही है। तो वो आई थिंक, मैं मानता हूँ कि वो रोबोटिक्स होना चाहिए। वो मतलब आपको उसके लिए फोर्स नहीं होना चाहिए, अगर ह्यूमन ह्यूमन हार्ट को समझाओ कि भाई चलो आज बर्तन धोना है, झाड़ू पोछा करना है, इट शुड बी रोबोटिक। तो मेरे अंदर वो रोबोटिक कंट्रोल हो गया है कि मैं उठता हूँ, कॉफी पीता हूँ, और मेरे हाथ अपने आप झाड़ू पोछा और बर्तन में चलने लगते हैं। तो आई थिंक वो रोबोटिक कंट्रोल जो आ गया है ना, वो आने वाले फ्यूचर में काम के लिए आई थिंक बहुत हेल्प करेगा। तो वो ओके एक नई चीज, वो इंटरनल नई चीज है। आप अगर नई चीज को सीखने की कह रहे हैं कि सीखा क्या, तो आई थिंक ट्रायल एंड एरर वाइल राइटिंग, यू राइट समथिंग बैड, देन यू गो थ्रू इट, यू रियलाइज इट, फिर आप रीराइट करते हो। तो काफी कुछ रीराइटिंग का टाइम मिला है, बिकॉज यू नो कि अभी लिख के कोई फायदा नहीं है, शूट पे तो जा नहीं रहे अभी, है ना, 5 महीने। तो काफी कुछ रीराइटिंग हो गई, तो मतलब खराब लिखा, फिर अच्छा लिखा, फिर और अच्छा लिखा, फिर और बेटर किया। तो आई थिंक ये जो प्रोसेस है, ये सारे राइटर्स को फॉलो करनी चाहिए रीराइटिंग की। तो आई थिंक रीराइटिंग इज वन थिंग विच आई हैव लर्न्ड अ लॉट। ओके ओके ओके। अच्छा अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर कुछ चीजें जो है बहुत ज्यादा वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, एक तो विनोद विनोद नाम विनोद, बहुत ज्यादा वायरल हुआ, एक वो रसोड़े में कौन था वो तो जीनियस है यार, यश आई थिंक जिनका नाम है। और यही होता है यार, यस एक
वो कब से बना रहा था, कुछ कुछ बना ही रहा था वो, उसके आप इंस्टा पे देखो तो कब से बना रहा, बट एक वीडियो आया और नाउ ही नेशनल सेंसेशन बन गया वो, बहुत बढ़िया था यार। तो आपको बताया, कि रसोड़े में कौन था? रसोड़े में तो यार लॉकडाउन में जब से शुरू हुआ तो मैं ही हूँ ओह और सीरियल्स के हिसाब से रसोड़े में सिर्फ घर की औरतें रहती हैं, बट लॉकडाउन में तो मर्द भी थे घर में आई थिंक। तो वो वाली चीज है यार, क्लीशे नहीं है वो कि सिर्फ औरतें ही होंगी। इसकी इसकी एक स्टोरी भी मैंने एक अभी कुछ दिनों पहले एक स्टोरी भी इसको लेकर एक वायरल हुई थी। एक लड़के ने इसके ऊपर 10 पेजेस की स्टोरी लिखी थी, वो आपको बताता हूँ मैं। एक लड़का हाँ होता है, वो उसकी फैमिली कहीं बाहर फंक्शन में जाती है, उसके एग्जाम्स होते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है, तो वो घर पे ही स्टे करता है। वो कहता है कि यार मुझे घर पे ही पढ़ाई करनी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वैसे इसका सस्पेंस तो आपको पता ही चल जाएगा क्योंकि इससे रिलेटेड है ये। तो उसकी गर्लफ्रेंड को घर पे बुला लेता है, वो दोनों पढ़ाई करते हैं कुछ देर तक, बातें चीतें करते हैं। तब अचानक से कोई एक बाहर से इंसान आ जाता है, ठीक है, तो जो शायद उनका पड़ोसी होता है, वो बोलता है कि बेटा आपको कुछ चाहिए, कुछ मदद चाहिए, तो मैं पास में ही हूँ, कुछ खाने पीने का वो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपको पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो वो लड़का मना करता है, नहीं नहीं अभी कोई जरूरत नहीं, हम सब ठीक है, कुछ यहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि लड़का अकेला था इसलिए पड़ोसी मदद करने के लिए आ गया। लेकिन अचानक से किचन में से आवाज आती है कुछ, तो वो आदमी उससे पूछता है कि किचन में कौन है आपके? तो वो एकदम से थोड़ा हक्का बक्का हो जाता है, वो कहता है नहीं कोई नहीं, मेड है, मेड आई खाना बना के जाने वाली है, ठीक है। तो फिर वो सुन के आदमी चला जाता है, तो वो अंदर जाके देखता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उसकी रूम में होती है, लेकिन किचन में कोई नहीं होता है। तो वहां से वो लड़की पूछना स्टार्ट कर दी कि रसोड़े में कौन था पर ओ, ये तो हॉरर हॉरर स्टोरी है थोड़ी सी। इसी तरह। अच्छा आपकी एक उसके अंदर जो था कि रसोड़े में राशि बहन थी, आपकी राशि क्या है? मेरी राशि? अच्छा तुम यप मतलब ओ सनशाइन पूछ रहे हो? यप ओ मुझे लगा कुछ यप वर्ड प्ले है यार, मेरी राशि मतलब कोई आप किसी लड़की की बात कर रहे हो। मेरी राशि आई किसी आपकी हो सकती है, थिंक आपको दोनों 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 दो दोनों दो समानता दोनों। दो होती हैं आई थिंक। तो आई जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जेमिना है, और ओके वो जो कुंडली उंडली वाली होती है उसमें आई थिंक मीन राशि है, मीन। ओके ओके। और हाँ जो दूसरी वाली जो लड़की वाली राशि वो कौन है? नहीं, वो कोई नहीं। वो कोई नहीं है। कट इट, ये क्वेश्चन हमने पूछा ही नहीं है, आपने सुना है। ओके। अच्छा लॉकडाउन के अंदर क्या बहुत सारे लोगों ने जो उनकी पुरानी मूवीज कहीं कभी कभी ना कभी डिसाइड किया था कि यार टाइम मिलेगा अच्छा था तो देखेंगे, वेब सीरीज भी काफी सारी आ गई इस लॉकडाउन की, पंचायत, पाताल लोक, तो आपने कौन कौन सी कंप्लीट कर ली वेब सीरीज और मूवीज जो आपने कभी सोचा था कि यार टाइम मिलेगा अच्छा था तो इन सबको कंप्लीट करूंगा, ऐसा हुआ? यार मैंने आई थिंक पिछले 2 ढाई महीने से कोई वेब सीरीज नहीं देखा, क्योंकि यार वो क्रिएटर्स मतलब आई थिंक इंडियन वेब सीरीज देखी मैंने काफी, ऑब्वियसली पंचायत वगैरह देख ही लिया, बट यार मेरे से देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि अब ऐसा कई बार एज अ क्रिएटर लगता है ना कि यार आप दूसरों का देखते ही रहोगे क्या, अपना कुछ बनाओगे बिल्कुल कभी? बिल्कुल तो सही। वही है यार, नाउ नाउ मैंने ऐसा कुछ सोचा है कि ठीक है कोई बहुत अच्छी वेब सीरीज आई जिससे कुछ सीखने को मिल रहा है तो वो देख लूंगा, बट फॉर एंटरटेनमेंट मैंने कोशिश की कि मैं इस बार किताबें ज्यादा पढ़ूं, कि थोड़ा क्योंकि हम लोग यार वेब सीरीज देख देख के अपना विजुअल जो माध्यम है ना उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करते रहते हैं। आप वही अच्छी कोई कहानी किताबें पढ़ते हो तो आपका इमेजिनेशन थोड़ा स्टिम्युलेट होता है, तो अच्छा रहता है, वो इमेजिनेशन के लिए बेटर है कि आप पढ़ते भी रहें। तो एक तो वो रीजन भी है, दूसरा ये कि यार फ्रेंकली कहूँ तो जलन है कि यार अच्छी वाली जलन होती है, पॉजिटिव जलन होती है ना कि यार सबकी वेब सीरीज बन रही है तुम्हारी क्यों नहीं बन रही है, तो तुम मेहनत करो। तो जिस वक्त पे वेब सीरीज देखने का टाइम होता है मैं ये कोशिश कर रहा था कि मैं अपनी वेब सीरीज पे काम कर रहा हूँ, मैं वो कोशिश करता हूँ कि मैं अपना अपना लिखूं यार, एंड दिस इज अ वेरी पॉजिटिव एनवी, ये एनवी कह सकते हो या जलन कह सकते हो, इट शुड बी, ये हर आर्टिस्ट में होती है, हर क्रिएटर में होती है, वो होनी चाहिए, और आई थिंक वो इंस्पायर करता है आपको अपना बेटर करने को। तो अभी यार मैं नहीं देख पाता हूँ यार, मैं एक एपिसोड देखता हूँ फिर मुझे लगता है यार इतना अच्छा लिखा है यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिर लिखने बैठ जाता हूँ। क्या तो बात है। वो मोहम्मद अली का एक सीन था ना, वो सुनाते थे कहानी की, मोहम्मद अली बॉक्सर जो थे वो 8 घंटे 9 घंटे प्रैक्टिस करते थे, अपनी ट्रेनिंग करते थे, उसके बाद जब बहुत बहुत थक जाते थे वो आधे घंटे के लिए सोने गए खाना वाना खा के, उसके बाद वापस उठ के वो प्रैक्टिस करने लगते थे। तो लोग उनसे कहते थे कि यार डोंट बी मैड फॉर फॉर अ बॉक्सर, इट्स ओके टू प्रैक्टिस फॉर 8 आवर्स 10 आवर्स इन अ डे,
आप क्यों वापस से प्रैक्टिस कर रहे हो यार, हो गया दिन का, क्यों एग्जॉस्ट कर रहे हो? तो मोहम्मद अली का प्रॉब्लम ये था कि वो जब सोने जाते थे या आंखें बंद करते थे या रेस्ट करते थे, जब उनको लगता था कि यार इस वक्त उनका कॉम्पिटिटर भी, उनका जो कॉम्पिटिटर है वो प्रैक्टिस कर रहा होगा, तो उनके अंदर इतना क्योस था ना इस चीज को लेके कि वो सो ही नहीं पाते थे। उनको लगता था कि यार, और 12 घंटे 8 घंटे जो भी उनकी प्रैक्टिस थी वो करने के बाद भी उस आदमी को क्योस होता था दिमाग में कि यार मैं अभी सो रहा हूँ और मेरा कॉम्पिटिटर यार प्रैक्टिस कर रहा होगा, मेरे जीत जाएगा, तो वो वापस उठ के प्रैक्टिस कर तो वापस उठ के प्रैक्टिस करने लगते थे वो। तो वैसा वाला कुछ हो गया है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सीखने वाली बात है आई थिंक मोहम्मद अली से, कि अगर ये क्योस अगर दिमाग में है आपके टू बी देयर, तो आई थिंक वो अच्छी बात होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आपने जो कहा कि एक पॉजिटिव जलन किसी भी आर्टिस्ट में होनी चाहिए और होती भी है, बिल्कुल सही बात है। और किसी ने कमेंट किया नेगेटिव, एक क्या नेगेटिव जलन में तो, हाँ बोलिए बोलिए, सॉरी, एक कमेंट बहुत अच्छा किया था कि सर आपका एक एपिसोड जो है पूरी वेब सीरीज के बराबर होता है। किसका? मेरा? हाँ सर, आपका एक कोई भी एक एपिसोड जो आता है जो टीवीएफ या पीएसपी पे आता है वो अच्छा एक वेब सीरीज के बराबर होता है। हाँ मतलब देखो कॉमेडी है तो ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि एक कुछ वेब सीरीज देखता हूँ जिसमें जो कॉमेडी के लिए बनी है, बट उसमें 8 एपिसोड में उतनी कॉमेडी नहीं होती जितने हमारे एक स्केच में हो जाती है, ऐसा हो शायद हो सकता है कभी। तो कॉमेडी तक ठीक है, कॉमेडी तक ठीक है भाई, ड्रामा वामा तो ऐसा नहीं है, ड्रामा और अच्छी राइटिंग है वो तो यार उसके लिए तो आपको वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। और सर अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे आपका जो सबसे फेवरेट पर्सनल कैरेक्टर लगता है, सबसे फेवरेट वो है अनुप सिंह सोनी होगा, जो आप सावधान पेट्रोल के जो एपिसोड से 2-3 सर और आने चाहिए थे, मैं तो इंतजार करता रहेगा कि कब आएंगे कब आएंगे, शायद कुछ है प्लानिंग इनका भी और एपिसोड आने के। यार मतलब मैं तो चाहता हूँ कि यार ये जो भी फन है आप लोग को, जो भी आप लोग देखते हैं आप लोगों को मजा आता है देखने में, और क्योंकि आप लोग को मजा इसलिए आता है ना क्योंकि हम लोग को लिखते और शूट करते वक्त मजा आता है, तो जब एक्टर राइटर मजे करता है ना तो फिर ऑडियंस को ही मजे आते हैं, तो ये बेसिक रूल है ना, अगर हम मजे नहीं कर पाएंगे तो आप मजे नहीं कर पाएंगे। तो जिन 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 चीजों में ऑडियंस को मजा आया है, चाहे वो सावधान पेट्रोल हो या जो भी बड़े छोटे के हमारे स्पूफ्स है मोस्टली या रवीश है, तो जितना मजा हमको आता है उतना मजा आपको आता है, तो आई थिंक हम खुद चाहते हैं वो, बट वही है कि लॉकडाउन है, वापस से कब शुरू करेंगे, क्योंकि सावधान पेट्रोल ऐसे कैमरे कैमरे में हो नहीं सकता है जैसे हम लोग शूट कर रहे हैं अभी, हमको उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा। और मेरी मेरी खुद भी वो पर्सनल फेवरेट है वो सीरीज टीएसपी पे, और बहुत वाइल्ड होता है यार वो, मजा आता है करने में। और मैंने सावधान इंडिया और सावधान पेट्रोल, सावधान इंडिया वगैरह लिखा भी है बहुत अपने करियर के शुरुआत में, टीवी ओरिजिनल मतलब स्टार वाला लाइफ ओके वाला, तो मैंने तो उसी वक्त ह्यूमर ढूंढ लिया था उसमें कि यार ये क्या चलता है यार, तो मेरे लिए तो वैसा लग ये यार कि चलो अब बारी आई है, अब बारी आई है। एक बात बता दूं मैं आपको, मैंने कुछ दिनों पहले मतलब शायद 1 से 1.5 महीने पहले जो सुशांत सिंह है उनका इंटरव्यू लिया था इंस्टा लाइव पे, तो मैंने उनको पूछा था कि आप, उन्होंने ये एपिसोड देखे नहीं देखे, तो उन्होंने कहा कि यार मैं उनका आपका मतलब आपके बहुत बड़े फैन बन गए आप जब वो उन्होंने एपिसोड देखे थे, सुशांत सिंह जो पोस्ट करते हैं। ओ उन्होंने देखे? जी उन्होंने देखे हैं, बिल्कुल देखे, उन्होंने कहा कि मैं उनका फैन बन चुका हूँ, आपके बारे में बोला उन्होंने ऐसा। ओ शिट यार मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे बहुत बेहतरीन एक्टर लगते हो, और बस डर ये है ना मेरा, मेरे का डर ये, ठीक है सुशांत सिंह ने देखा मैं उनकी, वो चलो समझदार वो है, जवान है उनको अच्छा लग गया, डर लगता है कि कहीं किसी दिन अमित जी ने देख लिया तो क्या होगा, मुझे अमित जी का डर होता है। नहीं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, उनको भी पसंद नहीं आ रहा है। अरे नहीं नहीं सुशांत सिंह, चलो हम मोस्टली सुशांत सिंह पे जोक नहीं लेते हैं, हम सावधान इंडिया पे लेते हैं, हमने अमित जी को, मैंने तो यार पता नहीं अमित जी को क्या बना दिया है वो, तो मुझे कई बार डर, मैं तो अब जलसा, अगर तुम बॉम्बे आयो कभी? नहीं सर अभी तक तो आना नहीं हुआ, लेकिन खुदा ना करता बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो हाँ तो वो जो जहाँ भीड़ लगती है ना अमित जी के घर के सामने, जी, तो वहां तो अब मैं मुंह छुपा के निकलता हूँ ऐसे यार कि कहीं अमित जी देख ना ले, बुलाइए इस लड़के को। बिल्कुल सही, इसी तरह से बोलिए, बुलाइए बुलाइए। हाँ संडे को खासकर 5 बजे जब वो आते हैं हाथ हिलाने, उस वक्त तो जाने का ही नहीं, गलती से भी देखने कुछ हो जाए, पता चल जाए कि वही है।
ये जो मेरी एक्टिंग करता है पागलों की तरह। क्या बात है, क्या बात। ओके ओके। अच्छा एक कमेंट जय नाम के लड़के ने बहुत बार किया है कि एक बार उनका प्लीज आप नाम ले लीजिए जय। हाँ मैंने देखा जी जय, जय और ने उसके बहुत, आगे कुछ 5 नंबर भी है आई थिंक, वन जी टू जी फाइव टू एट नाइन टू सेवन ऐसे कुछ नहीं है। तो उन्होंने जय। बार बार बोले कि आई एम योर बिगेस्ट फैन जय जय। तो थैंक यू एक बार या या ओके सॉरी ओके सॉरी, ओके मेरी आवाज चली गई फिर से, एक सेकंड। जी सर बिल्कुल। आ रही है आवाज? क्या बिल्कुल सर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। प्रॉब्लम क्या है ना, मेरे को कोई कॉल आता है ना तो मेरा या ये हेडफोन डिस्कनेक्ट हो रहा है, पता नहीं क्यों क्या। ओके ओके। ये फोन की प्रॉब्लम है, हेडफोन की, फोन की प्रॉब्लम आई थिंक है, वन प्लस। और काफी लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि आपका जो वो माही भाई वाला कैरेक्टर था वो भी बहुत अच्छा है, और लोगों ने बहुत पसंद भी किया इस कैरेक्टर को, माही भाई का। मेरे पुराने मित्र स्वतंत्र सिंह चौहान, मेरे बचपन के क्रिकेट के हम, उन्होंने लव यू ब्रो, लव यू ब्रो स्वतंत्र, अगर आप देख रहे हो तो। ये स्वतंत्र है मेरा बचपन का, हमने क्रिकेट जिया है साथ में, तो अच्छा ये अच्छा वो भी उसके सब। नहीं, मेरा बचपन जब मैं, मतलब समझ लीजिए आप, थर्ड क्लास से 10th अच्छा क्लास तक 7-8 साल का जो क्रिकेट का जो जर्नी रहा है, 90s का क्रिकेट जो था ना, वो मैंने इन भाई साहब के साथ जिया है, तो ये बहुत खास है मेरी जिंदगी में, क्योंकि हमारा क्रिकेट वाला कनेक्शन है। आई थिंक क्रिकेट वाला कनेक्शन जो होता है दोस्तों के साथ वो बहुत खास होता है। बिल्कुल 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 सर, सही बात हाँ है बिल्कुल। तो इनके साथ कोई मस्ती वाला पल याद आता है, कोई कारनामा किया हो, कांड किया हो इनके साथ में? अरे कारनामा, हम लोग एक दूसरे को मारे पीटे हैं बहुत, हमारी, इसने मेरी नाक तोड़ी है बल्ले से। तो हमारा कारनामा यह था कि हम लोग बचपन से बड़े मिमिक्री आर्टिस्ट टाइप के थे, तो हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे अपने लॉन में, तो हम लोग टेस्ट मैच खेलते थे, और पर बैट्समैन 11 बैटिंग, 11 बार बैटिंग करेगा। बट रूल ये होता था कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम एक टीम चुनते हैं कि वो वेस्ट इंडीज चुनता है, मैं पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल, ओके तो आई हैव टू बैट लाइक सईद अनवर, और आई हैव टू बोल लाइक वसीम अकरम। हमें इमिटेट करने होते थे एक्शन बैटिंग के और बॉलिंग के। वो तभी वैलिड रन तभी वैलिड होगा अगर मैंने शॉट इंजी की तरह मारा है, अगर इंजी की तरह शॉट नहीं मारा तो वो रन ही वैलिड नहीं होगा। तो बड़ा फन होता था। तो हम बचपन में, हमको कम से कम सबकी मिमिक्री आने लग गई थी कि कौन कैसे बॉलिंग करता है, कौन कैसे बैटिंग करता है, तो वैसा है। क्या बात है, मतलब जो कैरेक्टर जो प्ले कर रहा है उसको उसी की तरह खेलना है, नहीं तो रन नहीं मारा बिल्कुल बिल्कुल। जाएगा। जैसे अब लारा लारा की बैटिंग देखी है तुमने, कितना शफल करता था वो, डांस ऐसा, डांस, ब्रायन लारा यूज्ड टू डांस ऑन द क्रीज। अब उसमें, अब वो ब्रायन लारा खेला है बचपन से यार, हमको थोड़ी आएगा, हम तो आउट हो जाते थे। बिल्कुल सही कहा यार, बिल्कुल। काफी मतलब अच्छे तरीके से क्रिकेट खेला है। अच्छा आपने वो बुक्स वाला क्रिकेट भी खेला है कि ना, बुक्स पलट पलट के नंबर लिखने वाला, वो वाला भी खेला बिल्कुल है? बिल्कुल, वो क्लास में तो वही खेलते थे यार, क्योंकि अब क्लास में तो वही ऑप्शन है, तो क्लास में वही खेला है। ऑड इवन नंबर होता है, 2, 4, 6, 8, 8 इज ऑल्सो 6 एंड 0 इज आउट आई थिंक। जीरो पे आउट, जीरो पे आउट, और उसमें भी जब दो ब्लैंक नंबर। पेज, जो हेडिंग वाले पेज होते हैं वो ब्लैंक होते हैं, उसमें नंबर नहीं होता, तो वो वाइट बॉल आई थिंक, वो याद है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा काफी लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि सर रबीश की आवाज में कुछ आप अपना इंट्रो देंगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा, रबीश की आवाज में, बहुत लोगों ने कमेंट रवीश कर दिया। यार, ये बड़ा कॉमन सा कमेंट है, ये तो स्वाभाविक है ना, तो रवीश की बातें सब लास्ट में करेंगे आवाज में, अभी और ओके बातें ओके, कर लेते लास्ट हैं। में जब हम साइन ऑफ करेंगे तब रविश की आवाज में सर आपको बहुत कुछ बताएंगे। अच्छा ओके सर, मैंने अभी आपकी इंस्टा पे कुछ, मैं आपको काफी टाइम से फॉलो करता हूँ, आपने स्टोरीज वगैरह शेयर की थी, बुक्स वगैरह जैसा आपने बताया कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ी है इस लॉकडाउन के अंदर, तो कितनी बुक्स आपने कंप्लीट कर ली, कितनी बुक्स पढ़ ली आपने लॉकडाउन में, क्योंकि आपने स्टोरीज भी शेयर की थी, अच्छी अच्छी लगी, हमें भी बहुत पसंद आई। हाँ मैंने मोस्टली, मतलब मैं ऐसे थोड़ा क्या ना कि ऐसा वेरिएट नहीं कर पाता हूँ, तो मैं जैसा कोशिश करता हूँ कि इस महीने सिर्फ हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर पढ़ूंगा, तो फिर उस महीने सिर्फ मैं हिंदी लिटरेचर पढ़ता हूँ खूब सारा, ताकि वो आप उस मोड में रहो। फिर एक दिन डिसाइड किया कि सिर्फ माइथोलॉजी पढ़ूंगा, तो फिर से माइथोलॉजी पढ़ता हूँ, फिर एक दिन डिसाइड किया कि आज थोड़ा इंफॉर्मेटिव पढ़ा जाए बस, तो वैसा रहता है, तो ईजी रहता है, आप उस मोड में रहते हो। तो मैंने आई थिंक हरिशंकर परसाई जी को काफी एक्सप्लोर किया, पहले भी किया था बट इस बार ज्यादा किया, थोड़ा हिंदी के और भी कुछ किताबें काफी सारी पढ़ी, और ओके,
मैंने बहुत पुरानी एक किताब है, मैं सबको रिकमेंड करूंगा, जो दीवार में खिड़की रहती थी, बहुत प्यारी किताब है, वो पढ़िए आप, और अगर पढ़ सकते हैं तो। और मैंने अमीश, अभी मैं अमीश खत्म कर रहा हूँ, अमीश त्रिपाठी की नई जो ट्रिलॉजी आई है, राम सीता एंड रावण, तो मैंने अभी राम ट्रिलॉजी राम खत्म किया है, अभी मैं सीता पढ़ रहा हूँ, उसके बाद रावण पढ़ूंगा। तो आई थिंक वो भी काफी कंटेम्परेरी और ह्यूमन ह्यूमन कहानी है राम की, मतलब उसमें राम जी वही कर रहे हैं जो वो करते थे और जिन जो उनमें लिखा गया उनके बारे में, बट ही इज नॉट सुपरमैन, उनके पास कोई दिव्य शक्तियां या ऐसा कुछ वो नहीं है, और बहुत ह्यूमन कहानी है, बहुत ह्यूमन इमोशन पे है कि राम अपनी माता के कौशल्या के या कैकेयी या पिता से क्या रिलेशन थे उनके, या उनके भाइयों से क्या रिलेशन थे, भरत कैसे थे, और सीता कितनी ह्यूमन है उसमें, मतलब सारा बहुत ह्यूमन। बहुत अमीश का मैं फैन रहा हूँ, उनकी जो पुरानी किताबें थी नागाज वगैरह वो पढ़ी थी मैंने, तो अभी उनको खत्म कर रहा हूँ यार, तो अभी वो ट्रिलॉजी खत्म करके फिर कहीं और जाऊंगा ओके वैसा। अच्छा, अभी आपने जो किताब के बारे में बताया है राम सीता और रावण, इसी तरह की एक बुक मैंने इस लॉकडाउन के अंदर कंप्लीट किया, आपने भी नाम सुना होगा, इमोर्टल टॉक्स, दो बुक्स है जिसकी, इमोर्टल टॉक्स, शून्य की इमोर्टल टॉक्स, जो हनुमान जी के बारे में है। अच्छा, किसकी है वो हाँ, किताब, किसकी है? शून्य ने लिखी है, कोई एक जापानी एक राइटर है, उसके उसका कॉन्सेप्ट ये है कि हर 41 साल के अंदर हनुमान जी इस धरती पर आते हैं, श्रीलंका के अंदर एक अच्छा जगह है, कबीला है, वहां पर आते हैं और वो उन कबीले के लोगों को ज्ञान बांटते हैं, ओ ज्योति ग्रेट, जाते हैं और वहां ज्ञान ज्ञान बांटते हैं। उसके ऊपर दो बुक्स बनी हुई है, दोनों आप पढ़िएगा सर, मजा आ जाएगा पढ़ के आपको, बिल्कुल बिल्कुल इमोर्टल यार, टॉक्स। मैं माइथोलॉजी का, किसी भी मतलब किसी भी धर्म की माइथोलॉजी जो है, मैं बड़ा फैन हूँ यार, मुझे बहुत, मेरा फेवरेट जॉनरा है वो माइथोलॉजी, और जब माइथोलॉजी को किसी अलग नजरिए से बताया जाता है तो और मजा आता है, मतलब हमने जो जी पढ़ा है बिल्कुल रामायण में या महाभारत में वो तो है ही, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन उसका जो अलग पर्सपेक्टिव ह्यूमन ह्यूमन लेवल पे ज्यादा दिखता है ना, और भगवान है वो ठीक है, बट जब ह्यूमन ह्यूमन लेवल पे आप पढ़ते हो उनके रिलेशनशिप के बारे में, उनके पिता से रिलेशन, उनके माता से, तो वो अलग ही मजा आता है। ओके ओके बिल्कुल। तो सर आप भी उन किताबों को जरूर पढ़िएगा, जैसा कि आपने जैसे आपने राम के बारे में बिल्कुल बताया कि इंसान है वो, उसी तरह की किताब है वो, इमोर्टल बिल्कुल टॉक्स, बिल्कुल दो बुक पढ़िए, मजा आ जाएगा। और एक किताब और पढ़ी मैंने इस लॉकडाउन में, मुझे बहुत प्यारी लगी, जो पंकुश अरोड़ा राइटर हैं उसके, जो कपिल शर्मा शो के लिए लिखते हैं, उन्होंने एक अच्छा किताब लॉन्च की कुछ दिनों पहले, लव ड्राइव, एक बहुत प्यारी लव स्टोरी है उस किताब के अंदर, आप वो भी पढ़िए, मजा आ जाएगा वो भी पढ़ के। और इसके पता नहीं अलावा अच्छा, यार, सॉरी टू से बट मैं लव स्टोरीज पढ़ता नहीं हूँ ज्यादा। देखिए ये कॉमेडी है, कॉमेडी विथ लव है, मजा आ जाएगा, एक राइटर की स्टोरी है, अगर आप शायद वो आपकी स्टोरी भी हो सकती है, अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो मेरी स्टोरी है। और ठीक है ठीक आपने है, वो भी पढ़ी एक किताब, मैंने वो भी पढ़ी थी, मुसाफिर कैफे, आपने नाम सुना होगा, वो भी बहुत बेहतरीन किताब है, मुसाफिर कैफे, अच्छा दिव्य प्रकाश गुरु की किताब है, वो भी शानदार। एक और पीयूष मिश्रा जी की किताब है, कुछ काम किया कुछ इश्क किया, वो भी शानदार, वो मैंने पढ़ी है, वो मैंने किंडल पढ़ी है, पर हार्ड कॉपी नहीं है, मैंने उसकी पढ़ी है चीजें, वो भी बहुत बेहतरीन किताब है। वो आई थिंक इसी वो बिल्कुल इश्क वाला, क्या इश्क हुआ जिसमें, वाला भी कविता आई थिंक इसी में है। बिल्कुल वही 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 सर। तो ये इस राइटर लॉकडाउन के अंदर किताबों ने भी मेरा बहुत साथ दिया, मैंने भी अपने अंदर एक आदत डेवलप की इस तरह की किताबें पढ़नी है। वेब सीरीज भी बहुत सारी देखी, एक मुझे सबसे बेहतरीन जो लगी पंचायत, टीवीएफ की जो है पंचायत, बहुत बेहतरीन वेब पंचायत, सीरीज लगी। पंचायत तो बेहतरीन है ही, मेरा मेरा मतलब बहुत ऐसी कोई उसका नाम नहीं हुआ बहुत ज्यादा उस वेब सीरीज का, मैं सबसे ज्यादा एंजॉय जो किया हूँ रात भर में बिंज वॉच की मैंने, उसका नाम था इनटू द नाइट। तो इनटू द नाइट एक 6 एपिसोड की आई थिंक स्पेनिश या बेल्जियम बेल्जियम की कहानी है, नहीं ब्रुसेल्स, हाँ। तो बड़ी प्यारी यार, वर्ल्ड एंड हो गया है और आप एक प्लेन में ट्रेवल कर रहे हैं कुछ लोग, और जैसे ही सनलाइट आएगी ना आप सब मर जाओगे, क्योंकि सनलाइट में कुछ वायरस आ गया है। अच्छा, ओके तो एक प्लेन है जिसमें सब लोग भागते हैं, तो दे हैव ट्रेवल टूवर्ड्स द नाइट। तो फॉर एग्जाम्पल अभी जापान में अगर सूरज उगा है और आप अभी अगर मान लीजिए कलकत्ता दिल्ली में, तो आपको जी, उड़ना पड़ेगा वेस्ट की तरफ ताकि सन आपके पीछे आ रहा ओके है ना। या तो जब जब इंडिया में आएगा सन तब आपको इंग्लैंड में होना पड़ेगा जहां पे रात है, जब इंग्लैंड में आएगा सन तो आपको यूएस में होना पड़ेगा तो जहां पे रात है, जब यूएस में सन आएगा तो आपको वापस जापान आना पड़ेगा घूम के ऑर्बिट में जहां पे आपका सन, आपको सन से बचना है। तो दे आर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द नाइट एवरी टाइम, सो हाउ दे सर्वाइव दोज पैसेंजर्स ऑन द प्लेन,
सो बड़ा एडवेंचर और बड़ी ऐसा कुछ लॉजिक्स हैं उसमें, बट काफी मजेदार लगा मुझे। मेरे लास्ट जो मेरे को मजा आया था वो देखा मैंने वो। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सर। इसको भी आज का आज रात को देखना पड़ेगा, आपने सजेस्ट कर दिया तो आज रात को। हाँ, और वो बहुत बिंज वॉच है, बिंज वॉच है, एक बार देखोगे पूरा देख जाओगे, क्योंकि वो आई थिंक 6 एपिसोड है 40-40 मिनट के, और एंटरटेनिंग है काफी। मतलब वो है ना, मसाला है, थोड़े लॉजिक्स हैं उसमें हिले हुए, बट मसाला है, मजा आता है देखने। ओके ओके ओके। ये अच्छा सर, पूछ रहे हैं व्हाट, आदर सिंह राजपूत पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट द फ्यूल ब्रो। भाई वो वेब सीरीज देखोगे तो समझ आएगा ना, फ्यूल कैसे भरा रहे हैं, वही तो प्लॉट है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और अभी कुछ क्या नाम एक है कमेंट में, सीरीज का? सीरीज का नाम है इन टू द नाइट, इन टू द इनटू द नाइट, जो भी नाइट। पूछ रहे हैं, इन टू द नाइट। या अच्छा, एक क्वेश्चन और पढ़ा था मैंने अभी कि सर कोई लाइफ को इंस्पायर करने वाली कुछ बुक्स के नाम बताइए, आप अगर आपने जो पढ़ी हुई है उनका नाम बता दीजिए। एक कमेंट से किसी ने पूछा था लाइफ को इंस्पायर करने वाली। यार आई थिंक देर इज नो स्पेसिफिक बुक जो आपको लाइफ में इंस्पायर करे। यू रीड बुक्स, आप किताबें पढ़ते हो, उस किताब में एक ऐसा पॉइंट होता है जो आपके अंदर कहीं समाता है, आपके अंदर कहीं रह जाता है घर करके, और फिर वो आपको लाइफ में चेंज करता है, आपकी लाइफ इंस्पायर करता है। ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि यार ये किताब पढ़ोगे तो लाइफ इंस्पायर हो जाएगी। वो जो भी किताबें आती है ना कि इस किताब को पढ़िए और आप इंस्पायर हो जाएगी, वो सब फेक है, मैं तो मानता ही नहीं हूँ वो किताब। तो कोई छोटी सी एक सी कहानी भी है किताब में जिसे आप पढ़ते हैं और आपको वो आपके दिमाग को और आपके हृदय को बदलने में अगर हेल्प करता है, तो आई थिंक वही लाइफ चेंजिंग और वही लाइफ इंस्पायरिंग किताब होती है। और किताबों में जो जी कहानियां होती हैं, अब आप जो मैंने फॉर एग्जाम्पल अमीश की बात करता हूँ, उन्होंने जो लिखी है राम के बारे में, आप पढ़ेंगे राम का जो, उसमें मोस्टली एम्फेसिस किया गया है कि राम हाउ पर्टिकुलर ही वॉज अबाउट द लॉ, लॉ के कितनी लॉ, श्री राम के लिए लॉ कितना इम्पोर्टेंट था, है ना, तो ओके। उसकी बात की जाती है, उसकी बात की जाती है। तो आप जब वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, आप शायद आपको आप इंस्पायर हो लाइफ में कि यार यस लॉ इज इम्पोर्टेंट, है ना। तो वो आप ऐसे इंस्पायर होते हो, कोई ऐसे मैं कोई किताब नहीं बोल सकता कि इस किताब को पढ़ो इंस्पायर हो जाओ, वो सब नकली लगता है मुझे। जी तो जी वही है, तो यार मतलब यही विडंबना है कि श्री राम जो लॉ की बातें करते थे और लॉ अबाइडिंग सिटीजन थे खुद, और उनके लिए उनका सबसे प्राइम जो कंसर्न था वो लॉ था, और आजकल आप लॉ तो बचा ही नहीं है, मतलब अब तो सब कुछ लॉ आ गया है सोशल मीडिया में, और जो ओरिजिनल लॉ है उस पर किसी को भरोसा ही नहीं है। बिल्कुल तो सर, वी आर लैकिंग, वी आर लैकिंग, दिस इज नॉट राम राज आई सपोज वाली चीज। सॉरी मैं पॉलिटिकल हो रहा हूँ, अभी पॉलिटिकल नहीं है ये तो, मतलब मॉरल है, बट छोड़ो। ओके। तो जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था उनको अपना आंसर मिल चुका होगा। अच्छा एक क्वेश्चन और अच्छा भगत दिखा था मैंने कि भगत सिंह की लाइफ के बारे में कोई बुक आप सजेस्ट कर सकते हैं जो उनकी लाइफ पे बनी है, शायद सिंह, उनको इससे भगत कुछ सिंह के ज्यादा बारे में इंफॉर्मेशन कोई, मिल सकता है। भगत सिंह के बारे में कोई स्पेसिफिक किताब नहीं है आप, क्योंकि उनकी वही मैं कहता हूं कि 23 साल की जिंदगी थी जो रोलर कोस्टर राइड थी, तो वो आई थिंक इतनी किताबें उन पे लिखी नहीं जा सकती क्योंकि उन्होंने उतनी लाइफ जी नहीं है, वरना कुछ आगे की आप, उनकी एक छोटी सी लाइफ थी जिसमें उन्होंने मचाया और चले गए, शहीद हो गए। बिल्कुल तो आई थिंक एक किताब है उनकी जेल डायरी, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, अमेजोन पे जहां भी, एक उनकी संपूर्ण जेल डायरी है जहां पे उन्होंने अपनी जेल में जो बातें कही एक वो है, और एक आपको भगत सिंह की पूरी लाइफ उस जिसमें आपको जेल डायरी मिल जाएंगी और उनकी आइडियोलॉजीज भी मिल जाएंगी कि वो अलग अलग रेवोल्यूशन जो हुए क्या सोचते थे, और उसमें एक कई आपको बैक स्टोरी मिल जाएंगी क्रांतिकारियों की कि भगत सिंह किन क्रांतिकारियों से इंस्पायर हुए और वो पॉलिटिकली कैसे सोचते थे, तो वो सब चीजें भी आपको मिल जाएंगी। तो आप कोई भी दो तीन किताबें हैं लिमिटेड, वो आप सर्च कर लीजिए अमेजोन पे, आपको मिल जाएंगी। ओके ओके। तो जिसने भी क्वेश्चन पूछा था जेल डायरी किताब का नाम है, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं तो आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे उस बुक के जरिए। अच्छा सर, आप काफी अच्छे होस्ट हैं, आप रविश कुमार बनते हैं, आप अनूप सिंह सोनियो बनते हैं, तो कभी आपने सोचा है कि इन सबको आप एक ट्रेवल शो होस्ट के अंदर काम में ले सकते हैं? कभी आपको मौका मिले ट्रेवल शो होस्टिंग करने का तो उसकी तरफ जाना चाहेंगे? अब मतलब मैं ट्रेवल शो अगर होस्ट करूंगा भी तो आई थिंक एज हिमसेल्फ करूंगा, क्योंकि कैरेक्टर में फन हो सकता है, आप एक दो चीजें कर सकते हैं बट लंबा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जब किसी को इमिटेट करते हैं ना तो वो लंबा नहीं हो पाता है फिर, क्योंकि वो उसका मजा चला जाता है। वो आप इमिटेशन कम, जितना कम और क्रिस्प रखोगे उतना अच्छा है, उसको बिल्कुल बिल्कुल ओवर एक्सप्लोर, उसको आप ओवर एक्सप्लोर करने जाते हो ना तो फिर चीज खराब हो जाती है। ओके ओके ओके।
तो आई थिंक आप, लेकिन आपको शौक तो है कि ट्रैवलिंग का शौक है आपको अच्छी तरह से घूमने फिरने का? बिल्कुल बिल्कुल बाइक के साथ। मैं कार से, तुम मेरे को स्विट्जरलैंड या जन्नत भी ले जाओगे, मैं कार से नहीं जाऊंगा। अच्छा, बाइक पर लेके चलो। मेरे को क्लॉस्ट्रोफोबिया है, कार में बैठना मुझे पसंद ही नहीं है। कम्यूट के लिए ठीक है कार, बट व्हेन आई एम ट्रेवलिंग आई वॉन्ट ट्रेवल, या तो आई कैन आई नीड टू टेक द ट्रांसपोर्ट, कि मतलब ट्रेन से बैठ गए, गाड़ी में बैठ गए, या तो फिर मेरे को बाइक। आई थिंक बाइक इज समथिंग विच, मतलब वो बड़ा खुला खुला और ज्यादा एक्सप्लोर करते हो आप, ऐसा लगता है कि आप रास्ते नहीं चुन सकते हो। कार में बड़ा है यार, तो हाँ सबको रुका हुआ है। मेरा तो यही एम है यार कि एक अच्छी बाइक लूँ, जो अभी तो रॉयल एनफील्ड है तो उसमें फिर भी थोड़ा लिमिटेशन है। तो ओके सपना है यार, वर्किंग आउट टूवर्ड्स टू गेट अ गुड एडवेंचर टूरर बाइक जिसपे देश दुनिया घूम सके आदमी। ओके ओके अच्छा सर, आपने जो अभी तक सारे कैरेक्टर प्ले किए हैं, अब और कौन से नए कैरेक्टर आप प्ले करने वाले हैं? कुछ नया कुछ आने वाला है? कुछ नया, कोई नया यार किसी और का? फ्रैंकली फ्रैंकली नया थोड़ा बड़ा ये इल्ज़ाम लगा है मेरे पे। इल्ज़ाम लगते हैं दोस्तों के से, जो मेरे क्रिटिक हैं दोस्त मेरे मोस्टली, तो अच्छा, मैं, हाँ मेरे अच्छे क्रिटिक जो हैं वो सारे दोस्त हैं, ओके। तो वो भला ही चाहते हैं। तो जो आप मेरे थोड़ा क्लोज लोग हैं तो वो मेरे को काफ़ी कहते हैं कि भाई बहुत हो गई मिक्री, अभी थोड़ा ओरिजिनल है ना, समझ रहा है, वेब सीरीज में एक्टिंग कर, ओरिजिनल जो तू है खुद, जहाँ पे तू एक कैरेक्टर में काम करेगा वो करने की कोशिश कर। तो बोलो हाँ भाई वही करना है मेरे को। वो तो यार मैं यूट्यूब पे आया और मेरा बेस कोई, मैंने बचपन से सीखी नहीं थी मिमिक्री, वो तो मजा आता था करने में, मजा आता था करने में, कैरेक्टर डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करने में, तो वो एक इमेज ही बन जाती है यार। क्योंकि होता क्या है कि हिंदुस्तान में इमेज बहुत जल्दी बनती है आपकी, कि आपको एक बार कॉमेडियन समझ लिया तो कॉमेडियन ही समझ लिया, फिर आपसे जब तक डायरेक्टर और राइटर आपके दोस्त नहीं होंगे ना, जो आपको जानते हैं, आपका पोटेंशियल जानते हैं, कि चलो यार ये शिवांकित हाँ कॉमेडी कर रहा है, मिक्री करता है, पर इससे मैं ये वाली एक्टिंग भी करवाऊंगा, नॉर्मल एक्टिंग जहां पे एक कैरेक्टर प्ले करेगा ये, या तो नेगेटिव शेड होगा या कुछ होगा, तो ये कर लेगा। वो आप कब कर पाओगे? जो आपका दोस्त डायरेक्टर हो, आपका राइटर डायरेक्टर दोस्त हो, वो आप पे ट्रस्ट करेंगे। अब बॉम्बे का कोई डायरेक्टर है जिसने मेरा काम देखा है, वो मेरे को नहीं बुलाता अभी, ना बुलाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि मैं कॉमेडियन हूं, मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, या मैं इमिटेशन करता हूँ, मेरा वही एक लिमिटेशन है, क्योंकि वो मेरे को जानता नहीं है पर्सनली, तो वो दिक्कत है। तो मैं अब बैलेंस रखूंगा थोड़ा, कि कुछ फनी होगा तो डेफिनेटली इमिटेशन मिमिक्री, बट आई एम ट्राइंग टू, मेरा जो बेस है, मैं थिएटर किया हूँ और ऑब्वियसली मेरे को यार वही एक्टिंग करनी है यार, मेरे को जिंदगी भर इमिटेशन नहीं करना है, जिंदगी भर करना है बट विथ दैट ऑल्सो। तो वो कोशिश की जा रही है यार कि मैं कोशिश करूँ, और ऑडिशन देता हूँ काफी, कई बार नहीं भी होता है, चलता है, चलो तो प्रोसेस है। तो आई एम ट्राइंग टू गेट मोर ओरिजिनल एंड नॉन मिमिक्री रोल, जैसे मिमिक्री नहीं है, आई हैव टू गेट इनटू अ कैरेक्टर एंड आई हैव टू प्ले, तो वैसी कोशिश की जा रही है। वैसे मैंने देखा है आपका काम, अभी हालिया वेब सीरीज जो आई थी हैप्पीली इवर आफ्टर, मतलब बहुत शानदार कैरेक्टर आपका था। आपने कहा था कि मैं जो ओरिजिनल हूँ वो खुद ही था, मैं तो बिल्कुल उसी तरह के थे आप, वही का वही लुक बिल्कुल उसे, तो मतलब अच्छी, काफी अच्छी वेब सीरीज थी। लेकिन बस उसका ये था कि एपिसोड्स ने इंतजार बहुत कराया, एक एपिसोड आया उसके बाद में एक सप्ताह इंतजार करना पड़ा, फिर से एक हाँ सप्ताह। वो दिक्कत थी, क्योंकि यार अमेजोन नेटफ्लिक्स के आने के बाद अब आई थिंक वो पेशेंस नहीं है लोगों में कि लोग वेट करें महीनों महीनों, मतलब हफ्तों वेट करें ऐसी वेब सीरीज का, और जिसमें ऐसा कोई हुक पॉइंट भी नहीं है कि अगले एपिसोड में क्या हुआ, किसने मर्डर किया है, वो भी नहीं है। तो आई थिंक नेटफ्लिक्स अमेजोन के जमाने में आपको बिंज वॉच ही करना है सबको, तो आपको सारे एपिसोड एक साथ ही रिलीज करने पड़ेंगे, वहां आई थिंक दैट वेंट रॉन्ग। तो या लेकिन सर बहुत अच्छी वेब सीरीज थी है हैप्पीली इवर आफ्टर भी, मतलब उसका ट्रेलर देख के ही मन बना लिया था कि यार ये वेब सीरीज तो कंप्लीट करनी ही है, और खासकर आप उस वेब सीरीज में थे, मतलब मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूं, तो उसको तो छोड़ा ही नहीं जा सकता था उस वेब सीरीज को कहीं भी बीच में। चलो हाँ मतलब अच्छा हुआ देख लिया तुमने, वो उतनी हिट नहीं हो पाई बट ठीक है, इट वाज अ डिसेंट वॉच। तो व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक वो वेब सीरीज नहीं देखी है तो यूट्यूब पे जाइए, जूम स्टूडियो पे वो वेब सीरीज अवेलेबल है, हैप्पीली एवर आफ्टर, आप जाइए सर्च कीजिए और देखिए कुछ 5 से 6 एपिसोड से, मजा आ जाएगा देखने के बाद में, क्योंकि कॉमेडी भी है और एक लव स्टोरी भी है अच्छी खासी, मजा आएगा देखकर आपको। या अच्छा, कभी फैमिली ने कभी आपकी एक्टिंग के अंदर कमी निकाली कि यार यहाँ पे थोड़ा ओवर हो गया, यहाँ पे थोड़ा कम था, यहाँ पे स्माइल ज्यादा कर दिया, ऐसा कभी हुआ घर वालों की तरफ से? नहीं, उनके लिए तो हो गया, उनका लाइफ में आई थिंक उनको जितनी एक्टिंग में से एक्सपेक्ट करनी थी वो कर ली मैंने उतनी, वो लोग खुश हैं। अच्छा
उनका वही है, पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स समझ चुके हैं यूट्यूब क्या होता है, ऑनलाइन एक्टिंग अभी क्या है, ऑनलाइन मार्केट क्या है, बट मेरे गांव में मेरे जो रिलेटिव्स हैं बाकी, वो जो बहुत बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, तो उनका तो यही है कि जब तक टीवी में नहीं आएगा तब तक उनको मानना ही नहीं है कि मैं एक्टर हूँ। तो उनके लिए तो टीवी है, उनको जब तक स्टार प्लस या सोनी टीवी में नहीं देखूंगा सीरियल में वो लोग मानेंगे ही नहीं। और अब आप अगर फिल्में भी कर लो, नेटफ्लिक्स की फिल्म कर ली चलो आपने कोई, या अमेजोन पे कोई आपकी फिल्म रिलीज हो गई, वो भी नहीं मानेंगे वो, क्योंकि वो नेटफ्लिक्स अमेजोन नहीं देख रहे हैं, जी ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी उन दिक्कत हाँ, तो उनका जो फर्स्ट हैंड ये बिलीव करना है कि हाँ शिवांकित, अंकित मेरा घर का नाम है, कि एक्टिंग करता है, वो सीरियल ही है, है। या तो कोई ऐसा ऐड जो टीवी में आता है, तो ऐड तो मेरे को मिलते ही नहीं है गंजे होने की वजह से, क्योंकि इंडिया में गंजे को ऐड तभी मिलेगा जब वो रोल ही गंजे का हो, कि एक आदमी गंजा है तो तभी मिलेगा। तो ऐड की तो यार मैंने मैंने ऐड ऐड में ऑडिशन की तो उम्मीद ही छोड़ दी है, मैं तो अब जाता ही नहीं हूँ कि यार ठीक है नहीं करना यार, ऑडिशन दे देता हूँ बट मुझे पता होता है कि नहीं होगा सिलेक्शन, और जब आता है उधर से कि सर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हम नेक्स्ट टाइम, ना हाँ भाई पता था, मैं तो ऑडिशन सिर्फ अपना अपनी दोस्ती बनी रहे इसलिए दिया था। सही बात है, सही बात। अच्छा अभी अभी ये बात चली है तो अभी एक मुझे बात याद आई, कुछ दिनों पहले मैंने जो रोडीज वाले हमारे रघु सर है उनका इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने बताया था कि वो हमेशा अपने पास में एक कंघी रखते हैं उनको गुजारने के लिए, गुजारने के लिए। तो आप भी अपने पास में ऐसा कुछ रखते हैं कि सिर पे कोई भी नहीं जगह नहीं कंघी कंघी क्यों चाहिए, हाथ हाथ काफी, थोड़े से में? नाखून अगर बड़े हों तो आप आराम से खुजली कर सकते हैं, और खुजली नहीं होती है गंजों, खुजली नहीं होती, खुजली तब होती है ना जब आप बाल होते हैं, पसीना जमा होता है, ये तो मतलब साफ ही रहता है, तो खुजली कम ही होती है गंजों को। ओके ओके ओके। अच्छा आप अपना लुक चेंज करते रहते हैं कुछ कुछ दिनों में, कभी क्लीन शेव रख लिया, कभी फ्रेंच, कभी ऐसा करते हैं, या फिर आप हमेशा एक ही लुक के यार अंदर रहते हैं पर्सनल लाइफ में? मैं नहीं नहीं करता हूँ, मैं दाढ़ी के साथ काफी एक्सपेरिमेंट करता हूँ, बट क्लीन शेव मजबूरी में करना पड़ जाता है, जब रबीश करता हूँ कभी तो काटनी पड़ जाती है, क्योंकि और फिर क्या है ना कि अब यहाँ बाल है नहीं तो इन बालों से बहुत प्यार हो गया है ना, तो जब ये भी काटने पड़ जाते हैं तो बड़ा दिल दुखता है यार, कि यार यहाँ तो रहने दो। उसके बाद तो शायद अगर पूरा जॉनी सिंस नजर आते हो अच्छा नहीं उसके बाद फिर बहुत विभत्स लगता है यार, पूरा ये क्लीन ये क्लीन ये क्लीन, अरे फिर ऐसा लगता है कि मतलब कुछ खाली लगता है, ऐसा लगता है खाली ड्राइंग शीट है, कोई पेंटिंग वेंटिंग नहीं है उसमें, बड़ा गंदा लगता है। जब कुछ टाइम पहले, मतलब कुछ 4-5 साल पहले एक एड आता था हाशिम अमला का, बजाज अमला की जो स्टिकर था उसके साथ में हाशिम अमला का फोटो लगाया हुआ था। गंजों का आपने तो भी देखा? नहीं, वो याद नहीं मेरे को। अच्छा आपको हाशिम अमला जो क्रिकेटर है उनका, क्योंकि उनकी दाढ़ी बहुत बड़ी है लेकिन बाल नहीं है, तो बजाज आमला के साथ में उनका एक ऐड आता था हाशिम आमला वो एक काफी अच्छा शिट है, बहुत ज्यादा फेमस हुआ था वो ऐड। ओके ओके। अच्छा हाँ मैंने सुना है कि बचपन में आप बहुत ज्यादा मस्ती करते थे, इसकी वजह से आपको बोर्डिंग स्कूल के अंदर डालना पड़ा, क्या सच बात है कि मस्ती करने की वजह से बोर्डिंग स्कूल में डालना पड़ा? मस्ती तो सभी करते हैं, मैं थोड़ा बदतमीज हो गया था, मतलब डायरेक्शन डायरेक्शनलेस, मस्ती तो सब ओके करते हैं, तो यार प्रॉब्लम ये थी कि मॉम डैड टाइम नहीं दे पाते थे, क्योंकि मम्मी टीचिंग टीचर थी, तो ओके वो सब चीजें थी, तो मम्मी जब हिम्मत हार गई कि यार मेरे से नहीं हो रहा, ये समझ नहीं रहा है, तब मुझे बोर्डिंग भेजा गया इसी उम्मीद में कि सुधर जाए शायद, खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, और जो हुआ भी, आई थिंक मेरे 10th में कुछ 55-56% आए थे, ओके और जब बोर्डिंग में गया मैं तो मेरी मम्मी तो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं तो इतना पढ़ाई तब जाके 55 आए इसके, अब बोर्डिंग में तो ये फेल ही हो जाएगा जाके, ये उम्मीद थी, क्योंकि मेरे 11th में आए 44% अब 12th का रिजल्ट जब आया तो मेरे आए 68, ठीक है, मेरी मम्मी इतनी खुश इतनी खुश, 68 में ही उनको लग रहा था कि मेरे 98 आ गए हैं, वो वाली खुशी उनकी, तो जब मम्मी मम्मी जब बोलती थी कि मेरे बेटा 68 आया, फर्स्ट डिवीजन 68 आया, तो आंटियां जो थी घर के आसपास या मेरे कुछ चाचा या मामा लोग, तो बोलते थे कि अरे इतना क्या खुश हो रही हो, 68 क्या होता है आजकल, कम से कम 80 के नीचे तो कोई बात ही नहीं करता है, कहाँ एडमिशन मिलेगा 68 में इसको, तुम इतना खुश हो रही हो जैसे तीर मार दिया, मेरी मम्मी कहती मेरे लिए बहुत है इतना, मैं तो इतना भी उम्मीद नहीं कर रही थी, मेरे लिए 68 आ गए, मैं तो खुशी हूं, और आई थिंक गंगा
मैं अकेला, मैं बहुत रेयर ब्रीड हूँ जिसको 68% में पल्सर मिल गई थी यार फर्स्ट ईयर में। हाँ ओके ओके, तो इतने मेरे पेरेंट्स 68 में इतने खुश थे, तो उनको उम्मीद ही नहीं थी ना कि मैं 68 ले आऊंगा, फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। तो उन्होंने मुझे, यार मैंने बोला मुझे पल्सर चाहिए, तो पल्सर आ गई एक बार में। आज आज के लड़के को 68 आए हैं तो उसको तो पल्सर क्या है, मतलब चप्पल मिलेगी 68 उसको तो सर रिक्शा में। दिया दिलाया जाएगा, ये रिक्शा चलाओ। हाँ हाँ तो यार मेरे को बचाया, मेरे को बचा लिया बाकी चीजों ने यार, क्योंकि मैं कभी ना उसमें नहीं गया कोप भवन में कि यार यार मैं पढ़ने में इतना गंदा हूँ, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, हर जगह से जूते पड़ते हैं, ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि बाकी सब में भगवान ही तेरे पास नंबर बनता है, किस्मत वहां बच गया ना। तो मैं भले मेरे कितने ही परसेंट आए, बट उस साल मेरे पास कम से कम स्कूल कॉम्पिटिशन में कम से कम 30 सर्टिफिकेट 20 सर्टिफिकेट आए। तो वो सर्टिफिकेट मेरी वो करेंसी बन गई बचने की लाइफ में, सरवाइव करने की। तो सर्टिफिकेट मतलब 10 स्पोर्ट्स के हो गए, 10 कल्चरल एक्टिविटी के हो गए, 10 इधर उधर जीके के कॉम्पिटिशन के हो गए। तो उसने बचाया है बचपन, नहीं तो मैं तो कहीं अभी मतलब कहाँ होता। मेरे पेरेंट्स को ट्रस्ट ही नहीं होता, वो मेरे को कहीं भेजते ही नहीं। हाँ वही वाली बात हो जाती। अच्छा एक कमेंट मैंने पढ़ाया कि आपने अपना 10th क्लास के बाद में, 10th के रिजल्ट के बाद में आपने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था, ऐसा सच में किसी ने कमेंट यार किया था वो सिनिकल सिनिकल क्या है कि, एक सेकंड मैं जरा लोकेशन चेंज करता हूँ। बर्थडे यार मैं पता नहीं सेलिब्रेट ही नहीं करता हूँ बर्थडे, क्योंकि अच्छा? हाँ वो मैं बहुत सिनिकल हो गया हूँ कुछ सालों में। अब मुझे लगता है कि मेरा एक बेंचमार्क है अचीवमेंट का, वो जिस दिन वो अचीवमेंट नहीं हो पाएगी ना, जब तक मैं अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मानूंगा तो उस दिन तक मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगा। तो वो मैंने प्रण ले लिया है, वो मतलब दृढ़ निश्चय हो गया मेरा। और मेरा है कि भैया इतनी सक्सेस, ये है सक्सेस, अभी जो है मेरे पास वो सक्सेस नहीं। तो मेरा सक्सेस का बेंचमार्क है कि यार ये सक्सेस है, जिस दिन वो सक्सेस मिलेगी उस दिन मैं, मेरे जीने का, मेरे इस दुनिया में होने का जिस दिन मतलब निकलेगा, औचित्य निकलेगा, उस दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। तो मैं बर्थडे के अगेंस्ट हूँ, कंप्लीटली अगेंस्ट हूँ ये। मतलब हाँ थोड़ा वॉनबी लग रहा है बट सच्चाई यही है। तो नहीं सर, मेरा मेन, ऐसा तो सब में होना चाहिए, ऐसी सोच सबके साथ होनी चाहिए। अगर आपकी, मैं आपने जितनी बड़ी बात कही है, ऐसी सोच सबकी होनी चाहिए कि अगर सच में अपने जीवन का औचित्य पता चल जाए, कि मैं लगे कि हाँ मैं सक्सेसफुल हूँ, उसके हाँ बाद बर्थडे सेलिब्रेट। ये फिलोसफिकल नहीं है कि जीवन का सार पता लग गया, अच्छा ये है जीवन, आज से बर्थडे, वो नहीं। सक्सेस, मैं अगर मैं आज भी अपने बाप से पैसा ले रहा हूँ, या आज भी मैं सक्सेस नहीं कमा पाया, या आज मैं भी अपने जो भी, मैं किसी फील्ड में हूँ मैं वहां पे ग्रो नहीं कर पाया, तो मैं इतना सिनिकल और इतना गंदा सोचता हूँ कि मेरा सोचना कि वो इंसान डिजर्व नहीं करता है बर्थडे सेलिब्रेट करना। तुमने क्या किया, जन्म लेके क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया ना तुमने, क्या किया? मैं ये सोचता हूँ अगर कि, तो मैंने अभी तक वो सब कुछ किया नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ कि मैंने कुछ ऐसा अचीव किया है या ऐसा देश के लिए, दुनिया के लिए किया है जो दुनिया बदलेगा या समाज बदलेगा। तो मेरे जीने का भी कोई फायदा, मैं रहूं, कल को मैं मर जाऊंगा तो मेरे रहने का कोई, रहना रहूं रहूं रहने का जीवन में अभी कुछ पॉइंट नहीं। और मेरे जाने से कुछ चेंज नहीं होगा, देश को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना दुनिया को। तो मेरे बर्थडे का सेलिब्रेशन का पॉइंट क्या है? मेरे को ये सब सवाल, ये सिनिकल सवाल, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा दुनिया करेगा कि मेरा प्रॉब्लम है, मैं ऐसा सोचता हूँ। लेकिन सर जैसे काफी लोगों ने कमेंट किया है, मेरा भी पर्सनली ये मानना है कि हमारे लिए तो आप एक बहुत बड़े, हम तो क्योंकि हम आपके फैन हैं, और आप लोगों ने कमेंट किया कि सर हमारे लिए आप सक्सेसफुल हैं, तो हमारे लिए है। लेकिन वो हाँ खुद के मन से कभी भी सेटल नहीं होना चाहिए इंसान को, नहीं और होना आपने चाहिए बहुत जिस सही दिन, किया हाँ इसी हिसाब से कि जिस दिन आप सेटल हो गए, आपको लगा कि अरे आपने सब कुछ अचीव कर लिया है, फिर उस दिन घमंड आता है, कई चीजें आती हैं, फिर सब कुछ बर्बाद होने लगता है। मतलब वो धोनी बी कूल डोंट बी हैप्पी। बिल्कुल सर बिल्कुल। और एक और बात मैंने जिस सुनी थी कि जब आप बोर्डिंग स्कूल के अंदर गए, तो उसके बाद में बहुत सारी एक्टिविटीज के अंदर आपने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया बोर्डिंग स्कूल के जाने के बाद में। किस किस तरह की थी एक्टिविटी, मतलब सारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड थी या फिर मिक्स थी, थिएटर यार एक्टिंग वगैरह इन सब? स्पोर्ट्स था, और मैंने पहली बार काफी, क्योंकि मैं मार्शल आर्ट किया बचपन से और काफी फास्ट बॉलर था, तो स्टेमिना बहुत था मेरे अंदर दौड़ने का कूदने का। तो क्रॉस कंट्री पहली बार एक्सपोज हुआ, क्रॉस कंट्री की हमने खेतों में भागे कुछ कुछ 8-9 किलोमीटर 10 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री। क्रॉस कंट्री में बहुत अच्छा होता है कि क्रॉस कंट्री में यू कैन नॉट रन फास्ट,
यू हैव टू रन स्लो, यू हैव टू जॉग, यू हैव टू जॉग, यू हैव टू जॉग एंड यू हैव टू, आपको अपनी स्पीड आखिरी के 1 किलोमीटर में या आखिरी के 500 मीटर में बढ़ानी होती है. ओके ओके, क्या बात. तो हाँ, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था. तो मैंने क्रॉस कंट्रीज की जो मेरे लिए नई थी काफी, उस तरह का रनिंग काफी नया था. तो उसमें क्या होता है ना कि अब लड़कियां ही भाग रही हैं तो कुछ लौंडे हैं तेज भाग रहे हैं शुरू में लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए. और वो जाके 2-3 किलोमीटर के बाद थक गए, फिर वो चल रहे हैं. मतलब बेटा क्रॉस कंट्री ऐसे नहीं दौड़ी जाती, क्रॉस कंट्री में यू हैव टू सेव एनर्जी. हाँ, तो वही है. तो काफी कुछ किया यार. मतलब डर लगता था क्योंकि मैं छोटे शहर से इंदौर जाता हूँ जहाँ पे बोर्डिंग स्कूल है, वहाँ पे ऐसे लड़कों को देखता हूँ लड़कियों को देखता हूँ जो अंग्रेजी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, और बड़े शहरों के, उनका कल्चर बड़े शहरों का है, उनका एक्सपोजर बड़े शहरों का है. तो कोई भी कई बार ऐसा होता है कि आप नर्वस हो जाते हो यार ऐसे. और मेरे को पहले दिन ही मेरे टीचर ने रुला दिया. वो पहले दिन ही मेरे को, मैं कॉमर्स लिया था मैंने, तो मेरे को पहले दिन ही वो बोला नहीं आज तुम पहले दिन ही क्रेडिट डेबिट सीख जाओगे. तो बोला सर मैं बहुत दिमाग से पैदल हूँ पढ़ाई के मामले में, अगर मेरा मन करता है मैं नहीं सीख सकता. उसने मेरे को घर ही नहीं जाने दिया, मतलब मेरे को बोर्डिंग में जाने नहीं दिया. बोला नहीं आप सीखोगे, बाहर बैठा दिया, अपने साथ बैठा दिया. मैं रोने लग गया, मैं दूसरे दिन रोने लग गया अपने स्कूल में. मैं बोला यार ये कहाँ आ गया हूँ यार, मैं इतना घर से दूर और ये ऐसे टीचर मिल गए. तो मैं परेशान हो गया. फिर जब खेल के मैदान में गया क्रिकेट खेलने, तो सारी टेंशन गायब. तो काफी यार, स्पोर्ट्स हो, डांस हो, गाना हो. गाना मैं आज, मैं नहीं कह रहा हूँ अच्छा सिंगर हूँ, बट कुछ कुछ करके मैं प्राइज जीत रहा, मतलब एक्टिंग अच्छी करके, गाने की अच्छी एक्टिंग करके जीत ले रहा. लेकिन सर जिस तरह की आपकी वॉइस है, मतलब एक बेस है वॉइस के अंदर, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप बहुत बेहतर गाना गा सकते हैं. आप शायद नहीं, नहीं वो थिएटर वाले फोक गाने गाए हैं, क्योंकि हम लोग जब थिएटर करते थे तो वहाँ आई थिंक काफी गानों का इस्तेमाल होता था नाटक में. तो वो फोक वाले गाने होते हैं जहाँ पे आप साथ में गा रहे हो, कोरस में गा रहे हो, वहाँ मेरे सुर नहीं हिलते. जब आप बेसिक सिंगिंग करते हो तो वहाँ तो गड़बड़ होता है. थिएटर वेटर के गाने में गा लूंगा क्योंकि वो पकड़ लेता है आदमी, और वो उसमें तबला बज रहा होता है, कोरस होता है, तो कई आपकी चीजें छुप जाती हैं, गलतियां छुप जाती हैं. तो कोई अगर कोई नज्म हमें सुनने को मिल जाए लाइव, तो एक हमारी आज की शाम बन जाए. नहीं नहीं भाई, मैं सिर्फ नाटक में गा सकता हूँ ढोल ढोल के साथ. या बिल्कुल बिल्कुल. एक कमेंट 2-3 बार आया है, लॉकडाउन बनाने ज्यादा मजेदार, हमारी प्रशंसा के असली हकदार, लेना है हम सबका प्यार. नमस्कार, आए हैं राजा रविश कुमार, लव यू सर. चलो इसको मैं पढ़ देता हूँ अपनी आवाज में. कौन है ये? सचुसम शौर्यन, क्या नाम है इसका? सचुसम. लॉकडाउन बनाने ज्यादा मजेदार, हमारी प्रशंसा में असली हकदार, लेकिन हम सबका प्यार. नमस्कार, मैं राजा रविश कुमार. लव यू सर. ठीक है. अच्छा, ये एक दो कमेंट्स और. बिना एक तो बिना विक्या रविश से मजा नहीं आता. एक दो कमेंट्स ये भी आते हैं कि सर इसका नेक्स्ट एपिसोड कब आने वाला है रविश कुमार के ऊपर, रविश की रिपोर्ट. यार रविश की हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आईपीएल पे कुछ करें. अच्छा, तो कोशिश करते हैं कि आईपीएल के टाइम एक रविश का एपिसोड आए जहाँ पे हम आईपीएल के कुछ हमारे खिलाड़ियों से बात की जाए. नकली ये मत बोलना कि सच में कोई आ जाएगा. हमारे जो नकली खिलाड़ी हैं उनसे हार्दिक पांड्या हुए, हाँ शास्त्री भी हुए. रविश की रिपोर्ट आईपीएल एडिशन, ये कोशिश की जाएगी कि आईपीएल शुरू होते वक्त. ओके ओके, उसके अंदर कहीं ना कहीं कॉफी विद करण को भी जोड़ते हैं हमेशा, जैसे हार्दिक पांड्या से रिलेट करके एक नया कॉन्सेप्ट. कॉफी विद करण तो लगता बनेगा ही कभी. हाँ नहीं, एक आपको मैं सजेस्ट करता हूँ, एक रविश का और एक करण जौहर का, दोनों का एक होना चाहिए, मजा आ जाएगा जोरदार. यार करण जोहर लोगों को देखना भी है कि नहीं, उसकी मिमिक्री देखनी है कि नहीं लोगों को पता नहीं. पता चला तो जिस आदमी ने किया उसकी मिमिक्री, उसको पीटने जाके लोग बहुत गुस्से में भाई आजकल. नहीं, नहीं, नहीं. Okay, और पता नहीं, मतलब जो हो रहा है आई थिंक ठीक है, मतलब अब जनता का गुस्सा है उस पर आप क्या ही बोलोगे. बट मैं भी देखता हूँ, फिर अब मैं देखता हूँ कि वो जो फिल्म आई उसकी अभी क्या फिल्म, मुझे एवरेज ही लगी वो. अरे यार वो प्लेन वाली यार,
जानवी गुंजन, हाँ गुंजन सक्सेना, तो उसमें अगर आप देखो तो उसमें जानवी कपूर को छोड़ के सारे आर्टिस्ट जो हैं वो अपने सेल्फ मेड हैं, वो कोई नेपोटिस्टिक आर्टिस्ट नहीं है उसमें। सारे आर्टिस्ट विनीत सिंह हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, पंकज त्रिपाठी की जो वाइफ प्ले कर रही हैं, है ना, सारे सेल्फ मेड हैं उसमें। आप अगर जानवी को हटा दो तो ये डिबेट मेरे को समझ नहीं आती कि वो करण जौहर की ही फिल्म है, उसमें जानवी को छोड़ के सारे लोग जो हैं वो अच्छे आर्टिस्ट हैं और आउटसाइडर्स हैं और नहीं। तो हाँ ये है, ऐसा नहीं कि करण जौहर सब उसकी, मेरा वही कहना है, मेरा वही कहना है, मैं सॉरी इस डिबेट में जा रहा हूँ, मेरा ये कहना है कि यार एज एन आर्टिस्ट मुझे नहीं करनी करण जौहर की फिल्म, मतलब कल को मिलेगी तो अलग बात है, बट मुझे नहीं करनी। मुझे थोड़ी मैं बम्बई ये सोच के आया था कि मुझे करण जौहर की ही फिल्म करनी है और वो करण जौहर मुझे अगर नहीं देगा तो मेरा करियर कहीं जाएगा ही नहीं, तो ये सोच किसी आर्टिस्ट की नहीं है, किसी एक्टर की नहीं। बॉम्बे में कोई यहाँ पे करण जौहर की फिल्म करने नहीं आया, तो करण जौहर से इतना पीछे इतना पागल क्यों होना उसके लिए कि यार करण जौहर फिल्म में लेता नहीं है, करण जौहर फिल्म में लेता नहीं है। अरे तो भैया नहीं करनी, नहीं लेता तो नहीं लेता, बाकी 20 डायरेक्टर हैं यार, एक्टर उनके साथ काम कर लेंगे, तो नहीं करना यार करण जौहर के साथ काम सबको, जरूरी नहीं है। लोग यहाँ ये सोच के नहीं आए कि करण जौहर के साथ ही काम करेंगे तभी करियर बनेगा, तो ये डिबेट थोड़ी कहीं बीच बीच में ना ऑफ हो जाती है, तो ये मेरे को समझ नहीं आता। ओके लगभग सर हमें एक घंटा कंप्लीट होने वाला है हमारी इस बातों को लेकर, लगभग 2-3 मिनट बाकी है, तो एक घंटे भाई अभी कोई नहीं, लॉकडाउन में अभी तो मैं 5 घंटे बात कर लूँ, बट ठीक है ऑब्वियसली नहीं कर सकते। लेकिन सर एक घंटे के अंदर इंस्टा लाइव अपने आप बंद हो जाता है, एक ये टीएनसी होती है कि एक घंटे में इंस्टा लाइव अपने आप बंद हो जाता है, तो अच्छा एक आपकी तरफ से कोई एक मैसेज जो हमारे व्यूअर्स जो अभी चल रहे हैं उनको आप देना चाहेंगे, कोई अच्छा सा फनी सा राजा रविश कुमार के या फिर अमिताभ बच्चन जी की स्टाइल के अंदर जो भी आपका फेवरेट हो, या फिर आप खुद के स्टाइल के अंदर देना चाहे तो वो भी। खुद की स्टाइल में देता हूँ क्योंकि यार ये सब जो एक्टिंग वाली काम है तो आप वीडियो में देख ही लेते हो, अपन इंस्टा लाइव से आए तो थोड़ा नॉर्मल आ सकते हैं। कुछ नहीं यार मैं तो कहता हूँ, ये बड़ा नेगेटिव लगे आप लोगों को शायद, बट सच्चाई है, ये आपको प्रैक्टिकली फेस करना होगा कि ऐसा हो सकता है कि कोरोना ठीक हो जाए और हम जिस तरह से इस प्रकृति की वाट लगाए हैं तो हो सकता है कि कल को एक और नई बीमारी आ जाएगी, ठीक है, जो आपके लीवर को पकड़ रही होगी, ये लंग्स को पकड़ता है, कल को कोई बीमारी आएगी जो लीवर को पकड़ेगी, परसों एक बीमारी आएगी जो हार्ट को पकड़ेगी, ठीक है, तो ये चल रहा, मैं बहुत मान के बैठा हूँ कि ये सब होने वाला है, मैं बहुत गंदा सोचता हूँ, बहुत ऑप्टिमिज्म नहीं है मेरे अंदर, पेसिमिस्टिक आदमी हूँ, तो मैं तो मान के चलता हूँ कि भाई प्रकृति का हमने नाश किया है, प्रकृति बदला लेगी और चाइना सुधरने वाला नहीं है और जो चमगादड़ खा, हाँ तो मैं कह रहा हूँ फिट रहो फिट रहो फिट रहो, दौड़ो कूदो एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ और अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो ताकि आने वाली बीमारियों से लड़ सको, लाइफस्टाइल अच्छी रखो, खाओ खाओ पियो।